नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की स्वेटर का वीडियो लेकर आई हूँ। ये पूरा सेट है, एक स्वेटर है, एक कैप है और एक सॉक्स का पेयर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। बहुत ही छोटा सा स्वेटर है, यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको 4.25 या 4.5 या 4 इंच के करीब बनाया है और इसके नीचे की जो लंबाई है 6.5 इंच लंबा है, नीचे से घेरे का हिस्सा। टोटल लेंथ इसकी 11 इंच है और बाजू का भी यहां से लेकर कंधे तक इसकी लंबाई 4.5 इंच है और कंधे से नीचे 6.5 इंच की इसकी लंबाई है और टोटल लंबाई जो है 11.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है 7.5 इंच इसके मैंने घेरे की चौड़ाई रखी है। इसको आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा बताया है और इसमें जो वूल लगी है 97 ग्राम वूल लगी है, जिसमें ग्रीन कलर की ऊन 80 ग्राम है और व्हाइट कलर की फूल 10 ग्राम लगी है। 5 बटन लगाने हैं 2-2 इंच की दूरी पर। यहां पर मेरे से एक बटन लगाना मिस हो गया, मैंने बटन होल नहीं बनाया। हर 2 इंच की दूरी के बाद एक एक हम बटन होल बनाते चले जाएंगे। इसको मैंने गले से शुरू करके नीचे की तरफ लेकर आए हैं। ये डिजाइन 11 बार बना है। एक बार डिजाइन बनने में 2 फंदे बढ़ते हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो जब 12 बार डिजाइन बना लेंगे तो 22 फंदे हमारे एक राउंड में बढ़ जाएंगे। इसी के साथ ही गले से शुरू किया है, 65 स्टिचेस से बनाते हुए हमको इसको शुरू करना है। स्वेटर को बनाने के लिए मैं वर्तमान की रैपिड एक्सेल वूल का इस्तेमाल कर रही हूं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटा सा पैटर्न बना रही हूँ। 11 नंबर की सिलाई पर मैंने फंदे डाले हैं और ऊपर भी मैं 11 नंबर की सिलाई से ही बनाऊंगी। आपको फंदे 65 डालने हैं। मैंने यहाँ पर फंदे 25 डाले हैं, 5 फंदे बटन होल के, 5 फंदे बटन पट्टी के। एक बार मैं डिजाइन बनाऊंगी और 2 बार मैं डिजाइन रिपीट करूंगी। हमारा डिजाइन केवल 5 फंदों का है। स्वेटर को हम शुरू कैसे करेंगे? पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर इस धागे को खींचेंगे नहीं, घुमाते हुए धागे को लपेटते हुए पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे स्वेटर की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। सीधी साइड से रो नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। स्टार्ट करने का तरीका हमेशा ऐसा ही रहेगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए पहला फंदा सीधा बनाएंगे और बाकी के फंदे भी हम सीधे ही बनाएंगे। बस जो आखिर का एक फंदा है जिसके ऊपर हमने धागा लपेटा था, इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो धागा लपेटा था और ये जो फंदा है, दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और एक ही फंदा इसको हम काउंट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3, रो नंबर 3 और रो नंबर 4 बिल्कुल रो नंबर 2 की तरह है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए पहला फंदा सीधा बनाएंगे और फिर सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए
जो हमारा आखिर का फंदा है, इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। इस धागे को और फंदे को दोनों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हम पहले रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड रो नंबर 5, रो नंबर 5 में हम यहाँ पर अपना एक बटन होल बनाएंगे। शुरू करने का तरीका बिल्कुल सेम है। दो फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चाली डालेंगे और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और बाकी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड से भी बनाते हुए पहले यहां तक बनाएंगे सीधा सीधा, फिर इसके आगे बनाएंगे। रॉन्ग साइड रो नंबर 6, ये जो हमने धागा लपेटा था इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। और यहां हमने रो नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर 3 रो और बनाएंगे, रो नंबर 7, 8 और 9, फिर रो नंबर 10 हम रॉन्ग साइड से बनाते हुए वापसी आएंगे। बिल्कुल जैसे हमने रो नंबर 2, 3 और 4 बनाई थी, बिल्कुल वैसे बनाते बनाते 3 रो कंप्लीट करनी है। सीधी साइड से रो नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड रो नंबर 10 बनाने से पहले मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। 5 फंदे इधर है बटन होल पट्टी के और 5 फंदे इधर हैं बटन पट्टी के। रो नंबर 10 से रॉन्ग साइड से हम हमेशा 5 फंदे आगे के और 5 फंदे बटन होल पट्टी के सीधे बनाने के बाद रॉन्ग साइड से सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे 55 स्टिचेस आएंगे। यहां पर बटन होल पट्टी के भी 5 फंदे सीधे आ गए। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 11 बना रहे हैं। रो नंबर 11 में हम अपना डिजाइन डालना शुरू करेंगे। ये वाले डिजाइन को बनाएंगे। डिजाइन हमारा 11 बार बनेगा। एक बार में 2 फंदे बढ़ते हैं तो एक पूरा राउंड लेने में 22 स्टिचेस बढ़ जाएंगे और ऐसा हम 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसके ऊपर हम अपनी 5 सिलाई पहले की तरह बनाएंगे। डिजाइन टोटल डिजाइन जो है 6 रोज का है और डिजाइन जो है वो केवल 5 फंदों का डिजाइन है। एक बार मैं डिजाइन बनाऊंगी, 2 बार रिपीट करूंगी। जिस तरह से हम पहले 5 फंदे बनाएंगे, इन्हीं 5 फंदों को हम लगातार रिपीट करेंगे। सीधी साइड रो नंबर 12 और डिजाइन की रो नंबर 1। पहले के 5 फंदे बटन होल पट्टी के बिल्कुल सीधे सीधे बनाएंगे। मार्कर सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लगाया है, हम मार्कर को निकाल भी देंगे। इन 5 फंदों पर जो डिजाइन मैं बनाऊंगी उसे रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1, 2, 1 चाली, 1 फंदा सीधा, 1 चाली और 2 फंदे सीधे। 5 फंदों के 7 फंदे हो गए, 2
चार, छः और एक साथ दो फंदे बढ़ गए हैं। इसके बाद फिर से मैं इसी डिज़ाइन को रिपीट करूँगी, दो फंदे सीधे, एक दो, एक चाली, एक फंदा सीधा, एक चाली और दो फंदे सीधे, एक दो। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार इन्हीं पांच फंदों के डिज़ाइन को मैं फिर से बना रही हूँ, दो फंदे सीधे, एक दो, एक चाली, एक फंदा सीधा, एक चाली और दो फंदे सीधे। और ये हमारे बटन पट्टी के पांच फंदे सीधे। सीधी साइड से रो नंबर 11 हमने कंप्लीट कर ली है और डिज़ाइन की रो नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 12, पांच फंदे बटन पट्टी के, बनाने के बाद पहली बटन पट्टी से लेकर आखिरी के बटन होल पट्टी तक बीच के जितने फंदे हैं उन सबको हमको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये जो हमने जाली डाली है इसको भी हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी बटन होल पट्टी के पांच फंदे सीधे। सीधी साइड से रो नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13, सीधी साइड से रो नंबर 13 है और डिजाइन की रो नंबर 3 है। सीधा सीधा बनाते हुए बिल्कुल इसको हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 बनाएंगे, रो नंबर 12, 14 और 16 बिल्कुल सेम है, पहले के और आखिर के पांच फंदे सीधे। और बीच के सारे के सारे फंदे हमको उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। सीधी साइड रो नंबर 15, रो नंबर 15 और रो नंबर 13 बिल्कुल सेम है, सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 बना रहे हैं, रो नंबर 14 है और रो नंबर 16 बिल्कुल सेम है। ऐसे ही इसे हम कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 17 बना रहे हैं, रो नंबर 17 में हम इस डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। पहली बार हमारा डिजाइन पांच फंदों का है का था, दूसरी बार हमारा डिजाइन सात फंदों का हो गया है, तीसरी बार यही डिजाइन नौ फंदों का हो जाएगा, चौथी बार यही डिज़ाइन 11 फंदों का हो जाएगा। हर बार दो दो फंदे बढ़ते चले जाएंगे। राइट साइड रो नंबर 17,
तीन फंदे सी थे, एक दो तीन, एक चाली, एक फंदा सी था, एक चाली और तीन फंदे सी थे, एक दो तीन। इसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। इस बार भी एक बार डिजाइन बनाने में दो फंदे बढ़ गए, जब हम 11 बार डिजाइन बनाएंगे तो हमारे 22 फंदे फिर से बढ़ जाएंगे। इसी डिजाइन को मैं रिपीट कर रही हूं, तीन फंदे सी थे, एक दो तीन, एक चाली, एक फंदा सी था, एक चाली और तीन फंदे सी थे, एक दो तीन। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार डिजाइन में और आपके सामने बना रही हूं, तीन फंदे सी थे, एक दो तीन, एक चाली, एक फंदा सी था, एक चाली और तीन फंदे सी थे, एक दो और तीन। इसी के साथ ही हमने अपनी रो नंबर 17 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 18, रो नंबर 18 और रो नंबर 12 बिल्कुल सेम है। ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर हम चार रो और बनाएंगे, रो नंबर 19 सीधी साइड से, रो नंबर 20 उल्टी साइड से, रो नंबर 21 सीधी साइड से और रो नंबर 22 उल्टी साइड से, फिर हम रो नंबर 23 सीधी साइड से आपके सामने बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 23, तीसरी बार मैं अपने डिजाइन को बना रही हूं। जब हम तीसरी बार अपने डिजाइन को बनाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 9 फंदे हैं, पहली बार 5 थे, दूसरी बार 7 हुए, तीसरी बार 9 फंदे। चार फंदे सी थे, एक दो तीन और चार, एक चाली, एक फंदा सी था, एक चाली और चार फंदे सी थे, एक दो तीन चार। इसी डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी। इस बार भी दो फंदे यहां पर पड़े हैं एक डिजाइन में, 11 बार डिजाइन बनाएंगे तो 22 फंदे हर बार बढ़ते चले जाएंगे। चार फंदे सी थे, एक दो तीन चार, एक चाली, एक फंदा सी था, फिर से एक चाली और चार फंदे सी थे, एक दो तीन चार। इसी डिजाइन इसी तरह बनाते हुए पहले हम अपने डिजाइन को 5 बार कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां पर मैंने अपने चोली की लंबाई को कंप्लीट कर लिया है और इंची टेप से नापने पर इसकी लंबाई पूरे 4 इंच आई है और इसको मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। फ्रंट का हिस्सा, फर्स्ट स्लीव, बैक पोर्शन, सेकंड स्लीव और सेकंड फ्रंट पार्ट। इन फंदों को मैंने कैसे डिवाइड किया है ये मैं भी आपको बता रही हूँ। स्वेटर हम 0 साइज का बना रहे हैं, ओनली फॉर न्यू बॉर्न बेबी।
ग्यारह बार मैंने फंदों को बढ़ाया है, ग्यारह बार डिज़ाइन बना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ग्यारह। एक बार में दो फंदे बढ़ते हैं, एक और दो, और ग्यारह बार में कितने फंदे बढ़ेंगे? ग्यारह बार में हमारे फंदे बढ़ गए 22। और डिज़ाइन मैंने पांच बार रिपीट किया है, एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके से 22 गुना पाँच टोटल फंदे 110 बढ़ गए। 65 स्टिचेस मेरे पास पहले थे, टोटल फंदे हमारे पास हो गए 175। अब इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले बटन पट्टी के पांच फंदे, फर्स्ट फ्रंट पार्ट के 21 फंदे, फर्स्ट स्लीव के 38 स्टिचेस, बैक पोर्शन 47 फंदे, सेकेंड स्लीव्स के 38 स्टिचेस, सेकेंड फ्रंट पार्ट 21 और बटन होल के मैंने पांच फंदे लिए हैं। टोटल फंदे हमारे पास ऐड करेंगे तो 175 हो गए, पहले भी हमारे पास 175 स्टिचेस थे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले दोनों साइड के फ्रंट पोर्शन के 21 फंदे और पांच फंदे पट्टी के और बटन होल पट्टी के छोड़ने के साथ जो मेरे स्लीव का पोर्शन है 38 स्टिचेस हैं, इससे पहले मैं एक बाजू पूरी की पूरी कंप्लीट करूँगी। और बाजू कैसे बनाएंगे इसकी लंबाई पहले बता देती हूँ। बाजू हम 6 इंच लंबी बनाएंगे, आधे इंच का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं एक बाजू को कंप्लीट कर लेती हूँ, एक बाजू में पूरी कंप्लीट करूँगी और एक बाजू पूरी कफ नहीं बनाऊँगी, उसका कफ मैं आपके सामने बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बाजू कंप्लीट कर ली हैं और एक बाजू की मैंने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। साथ के साथ अगर हम बाजू की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं तो जब हम फ्रंट के बाद बैक के हिस्से को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर किसी तरीके का जाला नहीं आएगा, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ जाता है। बाजू की मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली है, इंची टेप से नापने पर इसकी लंबाई मैंने पूरी 6 इंच बनाई है। छः इंच की ये लंबी है और 48 रोज़ मैंने इसमें बनाई हैं। और जब भी हम शुरू करेंगे बाजू, नया धागा लगाकर शुरू करेंगे, दोनों बाजू में मैंने नए धागे को लगाकर बाजू बनानी शुरू करी है। जो शुरुआत का धागा है जिससे हम अपनी चोली बना रहे थे, उस धागे से हम अपनी घेरे के हिस्से को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर रोज हैं 10, 20, 30, 40 और 8, 48। एक एक गैप में मैंने 10-10 रोज डालनी है, दो दो चार छ आठ दस, और ऊपर वाला गैप में 8 रोज हैं, दो चार छ और 8। अब हम इसमें 4 फंदों को कम करेंगे। सबसे पहले 4 फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा कम हो गया। उसके बाद 7 फंदे सीधे, 7 फंदे सीधे, दो चार छः और एक 7, चार छः 7, एक दो तीन चार पाँच छ 7। इसी 9 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 7 फंदे सीधे, और एक एक डिज़ाइन कम होता, एक एक फंदा कम होता चला जाएगा। दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 7 फंदे सीधे, एक
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसी के साथ हमने यहाँ पर दो फंदों को कम कर दिया, एक और दो, दो। इसी डिज़ाइन को रिपीट कर रहे हैं, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा, तो तीन फंदे कम हो गए, सात फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तीन फंदे कम करने के बाद फिर से हम दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, तो चार फंदे कम हो जाएंगे, उसके बाद पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार और पांच। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो एक फंदा इस साइड का और एक फंदा इस साइड का सिलाई में चला जाएगा और गैप के मेरे सात फंदे रह जाएंगे, तीन फंदे ये हैं और चार फंदे इधर के हैं, टोटल गैप हमारा सात फंदों का है। 38 फंदे थे, चार फंदे मैंने कम कर लिए, टोटल फंदे मेरे पास इस समय सिलाई पर 34 रह गए हैं। इसके ऊपर पांच सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे तो इस तरह की तीन सरी बन जाएंगी। जब हम तीन सरी बना लेंगे फिर हम सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ मैंने छः रोज पांच सिलाई कंप्लीट कर ली हैं, अब एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। सबसे पहले दो फंदे सीधे बना लेंगे और पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे और पीछे वाला फंदा पलट देंगे, और इसी तरह से बंद करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। एक फंदा आखिर का रह गया है, इसी को मैं खींच दूंगी। खींचने के साथ मैंने धागा काफ़ी लंबा छोड़ा है, इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे और धागा मैंने काट दिया है। सिलाई कैसे करेंगे? सबसे पहले सीधी साइड हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इसी साइड से हम बाजू को सिलना शुरू करेंगे। अगर हम दूसरी साइड से इस साइड से बाजू सिलनी शुरू करेंगे तो इस साइड पर आकर जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसी साइड से हम अपनी बाजू सिलनी शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारे से सबसे पहले हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करेंगे, पक्का करने के साथ अब हम इसकी उल्टी साइड अंदर कर देंगे और सीधी साइड को हम बाहर कर लेंगे और सुई को हम बाहर ले लेंगे और बस दोनों साइड से दो दो धागे लेते हुए हम इसकी सिलाई करते चले जाएंगे। दो धागे एक साइड से लेंगे और दो धागे हम एक साइड से लेंगे, बस इसी तरह सिलते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बाजू कंप्लीट कर ली है और सिलाई कर दी है। अब मेरे को इसका घेरे का हिस्सा बनाना है। घेरे का हिस्से की लंबाई जो है हम 6 इंच लंबा बनाएंगे, जिसमें से 3 इंच हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे और 3 इंच पर हम डिज़ाइन डालेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम अपनी फ्रंट की एक साइड को लेंगे और इसमें हम जिस साइड से हमारा धागा हमने काटा नहीं था वहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे, और बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। और साथ में ही हर 2 इंच की दूरी पर हमको एक एक बटन होल बनाते रहना है। ये देखिए, 2 बटन होल के बीच में मैंने 2 इंच का गैप दिया है। दूसरा बटन होल। अब हम अपनी चोली की घेरे की लंबाई स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार के सिलाई पर धागा लपेटते हुए
सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, बस आखिर के 6 फंदे छोड़ने तक हमें सारी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। जब 6 फंदे रह जाएंगे तब हम वहाँ पर एक फंदे को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 2, 4, 6 फंदे रह गए हैं, एक फंदा मैं बढ़ा लूँगी और 6 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। फ्रंट साइड कंप्लीट होने पर और बैक साइड स्टार्ट करने पर एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड कंप्लीट कर ली और एक फंदा बढ़ा लिया। इसके साथ अब हम बैक साइड के पहले 6 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे और फिर एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। एक धागे को खींचते हुए 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे बनाने के साथ ही एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसके साथ लगभग सेंटर में हमको एक फंदा और बढ़ाना है। पहले हम सेंटर तक बना लें अंदाजे से, फिर हम सेंटर में एक फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ पर सेंटर तक हमने बना लिया, एक फंदा बढ़ा लिया और बैक साइड से भी सीधा सीधा बनाते हुए आखिर के 6 फंदे रहने तक हम सारे का सारा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली बैक साइड से, एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे और 6 फंदे हम सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और जब बैक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और फ्रंट पार्ट हम शुरू करने लगेंगे, एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब जब हम फ्रंट का पार्ट शुरू करेंगे तो 6 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे। एक 2, 3, 4, 5, 6 और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। और बस इसी तरह से बनाते हुए ये रो हम सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बस बटन पट्टी के और बटन होल पट्टी के 5-5 फंदे हमें सीधे बनाने हैं और सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए हम अपनी 3 इंच की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 3 इंच की घेरे की जो लंबाई है उसको कंप्लीट कर लिया है। 3 इंच बना लिया। अब हम इसके ऊपर वाइट कलर से डिज़ाइन डालेंगे और वाइट कलर जो है वो हम रॉन्ग साइड से इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले बटन पट्टी के हम 4 फंदे अपने मेन कलर से बनाएंगे। ये आखिर का फंदा और ये जो धागा लपेटा हुआ है इसको हम वाइट कलर से एक फंदा बनाएंगे। अपने धागे में क्रॉस डालते हुए बनाएंगे। वाइट कलर से धागे को और फंदे को दोनों को इकट्ठा एक फंदा सीधा बना लिया। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन मेरा 2 फंदों का है। डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए एक फंदा हम एक्स्ट्रा लगाएंगे और इन जो 2 फंदों पर हम डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। पहले हम अपनी बटन होल पट्टी के 5 फंदे पहले की तरह बना लेंगे।
दो, तीन, चार और पाँच। पांच फंदे बटन होल पट्टी के हमने कंप्लीट कर लिए। धागे को हम अपनी ओर करके इन दो फंदों पर डिज़ाइन डालना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। एक फंदा उल्टा बना लिया, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया। इन्हीं दो फंदों के डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। एक फंदा बिना बुने उल्टा बना लिया, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, और इसी तरह से बनाते हुए हम सारी रो कंप्लीट करेंगे। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पहला फंदा है वो उल्टा आया है सीधी साइड से, आखिर का फंदा भी उल्टा ही आना चाहिए। सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड से पहला फंदा हमारा उल्टा आएगा तभी हमारा डिज़ाइन ठीक बनेगा, अदरवाइज़ हमारा डिज़ाइन गलत है। यहाँ पर हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया और आखिर का फंदा मेरा उल्टा आया है। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिज़ाइन को की रो नंबर दो बना रहे हैं। पांच फंदे बटन पट्टी के एक, दो, तीन, चार और पांच। इसके ऊपर रॉन्ग साइड से जो डिज़ाइन हम दो फंदों पर बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। पहला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। पहला फंदा हमारा उल्टा आया है रॉन्ग साइड से भी, और आखिर का फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा तभी हमारा डिज़ाइन ठीक बनेगा। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई बना ली है। एक फंदा सीधा और ये फंदा मेरा आखिरी है, ये फंदा मेरा उल्टा आ गया। इसके बाद बटन पट्टी के चार फंदे सीधे सफ़ेद रंग से बनाएंगे। और आखिर का फंदा जो है जिसके ऊपर हमने धागा लपेटा है उसे हम हरे रंग से बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके धागे में क्रॉस डालते हुए सफ़ेद रंग से हम आखिर का फंदा बनाएंगे। इसके ऊपर अब मेरे को सीधी साइड से गैप के लिए ग्रीन कलर से चार रो बनानी है। एक रो सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। और एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने एक हरे रंग से एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब बॉर्डर के पहले चार फंदे हरे रंग से बना लेंगे। आखिर का फंदा बिल्कुल पहले के तरह अपने धागे में क्रॉस डालते हुए आखिर का फंदा हम सफेद रंग से बनाएंगे। पहला फंदा हम पहले की तरह ही उतार कर पांच फंदे बटन होल पट्टी के एक, दो, तीन, चार और एक पांच फंदे बनाने के बाद व्हाइट कलर से हम अपने डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। पहला और आखिरी फंदा सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों साइड से उल्टा आएगा। एक फंदा उल्टा बना लेंगे और एक फंदा हम स्किप करेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा स्किप करते हुए इसी तरह बनाते हुए हम पहले 3 इंच लंबाई और कंप्लीट करेंगे। टोटल लेंथ हम 6 इंच की
कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। जब हमारी स्वेटर की लंबाई 6 इंच कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर हम अपने मेन कलर से 8 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। लेंथ कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ पर अपनी 8 रो सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने फंदों को बंद कैसे करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद बस एक फंदा हम बुनते चले जाएंगे। और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे, फिर से एक फंदा बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। और इसमें आखिर का फंदा कैसे बनाएंगे वो मैं आपके सामने बंद करूंगी। बस इसी तरह से बंद करते हुए हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। आखिर फंदे पर हम आ गए हैं। ये जो हमारा आखिर का एक फंदा और एक धागा है, इन दोनों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाकर पीछे वाले फंदे को इसको पलट देंगे, धागा हम काट देंगे और इसी धागे को हम फंदे को खींच के हम पक्का कर देंगे। यहां पर हमारी सारी फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है, स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, बटन भी लगा दिए हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।